नागपुर के लकड़गंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत क्वेटा कॉलोनी में केटी वाइन शॉप के सामने 5 भ्रूण मिलने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार बच्चियों के भ्रूण कचरे में पाए जाने से लकड़गंज इलाके में खलबली मच गई है। ये सभी भ्रूण किसी अस्पताल के माध्यम से फेंके जाने की जानकारी भी सामने आ रही है और मामला गंभीर होने की वजह से पुलिस जाँच में जुटी हुई है। यहाँ हमारे को खड़े हाँ दिशा हाँ क्या जानकारी है, क्या हुआ था बताइए। ये घटना कम से कम 4 बजे की है। ये दोनों वॉशरूम करने यहाँ पर आए थे, इनको दोनों वहाँ पूरे भूरने दिखे तो ये लोग मेरे पास दौड़ते हैं मेरी होटल में। मैंने इनको सीधा पहले भेजा लकड़गंज थाने में, मतलब तो आप वहाँ जाकर आप रिपोर्ट दे दो। तो जब मैं आया तो मैडम आई नहीं थे, बाद में मैडम को बताया मैडम ये ऐसा हुआ है, कम से कम 5 भ्रूण पड़े हुए हैं छोटे 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 छोटे, एक उसमें 5 महीने का है। उसके बाद फिर सर बोले यार चादर लाके डाल दो, हमने वहाँ चादर लाके डाल दिया। उसके बाद सब उन्होंने लकड़ी वाले अपने अंडर में ले लिया, हमको इतना मालूम है बस। इतना बायोवेस्ट है या ठिकाणी असं टाकल्याचं प्राथमिक दृष्ट्या लक्षात येत आहे। आता आपल्या मेडिकल टीमद्वारे एक्सपर्ट टीमद्वारे आपण ते जप्ती केलेली आहे। त्यामध्ये काय काय भ्रूण आहेत जे काय डेव्हलप झालेले आहेत किंवा त्यामध्ये काही डॅमेज अशी किडनी पण सापडलेली आहे, काही हाडं पण तिथं सापडलेले आहेत। एकंदरीत असं दिसतंय की बायोवेस्ट आहेत, ते वेस्ट त्यांनी इथं कुठं तर टाकलेलं आहे। मे बी आत पुढचा आम्ही तपास करत आहोत, आम्ही कॅमेरा वगैरे चेक करत आहोत, पुढची कारवाई करत आहोत। जे ठिकाण आहे तिथं पूर्ण कचऱ्याचं ठिकाण आहे, आजूबाजूचा आता आम्ही चेक करू काय नक्की आहे त्याचा तपास करू। पाच नाहीत अजून आपल्याला, त्यामध्ये सगळे जाऊन आपण मेडिकल टीमद्वारे त्याचं आपण मुलायजा करू, चेकिंग करू, त्यानंतर कळेल एक्झॅक्ट ते किती होतं। म्हणजे वाढू पण शकतं, इतर पण काही त्यामध्ये वेस्ट आपल्याला सापडलेले आहेत, त्यामुळे ते सगळं लक्षात येईल आपल्याला। धन्यवाद।